क्या कहेंगे आप इसको, चेंज होना चाहिए। एग्री एग्री करता हूँ और बड़ा सॉलिड रीजन है। आप मेन चीज ये, आप स्ट्रगल ही 6 से 15 ओवर के बीच में कर रहे हो, वहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो टीम 7-7.5 के एवरेज से खेल रही थी वो एकदम से 10 पे चली जाती है। और जब एक दफा शुरू देखें, जब एक दफा, ये क्रिकेट का असूल है सर, ये मेरी अहमद की आपकी कहीं भी बात नहीं, जब मोमेंटम आपके हाथ में आता है ना, फिर टीम को नहीं रोकते आप, सही, फिर वो खुद ही अपनी मिस्टेक से रुकती है। तो ये गेम में मिस्टेक्स का काम नहीं है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है गुरबाज भाई, देखे 3 फॉर्नर से खेल लेना आप, गुरबाज को रेस्ट कराएं, सोहेब मकसूद को वन डाउन खिला दें, आप आसिफ अली को भी खिला लें, ये ऑप्शन बुरी नहीं है सर। आपने ये चार्ट में पहली 2 पोजीशन जिस तरह आपने स्टार्ट लिया था, आपने पहली 2 में होना था, कहीं ना कहीं आपने टीम में अननेसेसरी चेंजिंग्स की हैं। आपने इब्रार को परफॉर्मेंसेस करके बाहर निकाल दिया, अननेसेसरी ड्यू। देखें, आप उस चीज को नहीं छेड़ते जब तक छेड़ने की जरूरत ना हो। जब आप ओवर क्लेवर बनने जाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने जाते हैं, फिर आप कभी ना कभी जब वो चीजें काम नहीं करती हैं तो आप अपने आप को, अपनी टीम को डेंट देते हैं। और वही इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमें देखने को मिला कि उन्होंने मोमेंटम लूज किया, नाउ दे आर इन डू एंड डाई सिचुएशन, जहां उनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? आजम खान को डेफिनेटली अगर वो फिट है खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम आ चुका है। 22 मार्च को टीम रवाना हो रही है शारजा, 24 मार्च को पाकिस्तान का पहला मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ। आई होप कि वो फिट हो जाए बच्चा, और यहाँ भी खेले और वहाँ भी पाकिस्तान के लिए भी सर्व करे। मगर अगर वो 19-20 होगा ना, तो मुझे नहीं लगता वो शायद खेले, क्योंकि देखें विकेट कीपर के पास हर बॉल ही आती है, उंगली पे, और उंगली ऐसा है, एक आपकी ये जो उंगली है ना, बॉल तो इसी से पकड़नी है। अगर दोबारा लग गई तो वो सीरीज में नाम आया, वहाँ से विड्रॉ, फ्रेंचाइज का भी हो जाएगा। मगर अगर इतनी हील हो गए या इतने रेडी हो गए कि आप सर्व कर सकते हैं तो करना चाहिए।